ट्रेन तो बहुत चली अपने देश में, अपने भारत में, लेकिन इस जैसा कोई नहीं और इसका क्रेज। तो ये है वंदे भारत इफेक्ट। देखिए लोग ट्रेन को कौतूहल भरे निगाहों से देख रहे हैं और अपनी कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, यादों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। पटना जंक्शन से 2 किलोमीटर चल कर राजेंद्र नगर हम पहुँचे हैं और राजेंद्र नगर में ट्रेन अभी फिलहाल रुकी हुई है। अभी समय हो गया है 13:12, मतलब कि 1:12 में हम लोग राजेंद्र नगर स्टेशन के पास हैं। तो ग्रैंड वेलकम इस ट्रेन का किया गया है, वंदे भारत ट्रेन का, पटना साहिब में। ये देख सकते हैं मात्र 10 किलोमीटर ये ट्रेन अभी आई है पटना चक्र के, पटना सिटी ये दूसरा स्टॉपेज है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लोगों में जो उत्साह है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा उत्साह आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। ये देख सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं और इस ट्रेन को अपनी निगाहों से देख रहे हैं, अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, अपनी यादों को समेट रहे हैं। ये पटना साहिब की तस्वीर है, पटना सिटी की तस्वीर है। इधर तो छोड़िए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, ये है यहाँ पर पटना इफेक्ट। देखिए क्या लोग हैं और देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर आई है और कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये तस्वीर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। खोल मत लीजिए, ये है वंदे भारत का जो थोड़ा सा दर्द। पटना से चल करके अब हम लोग पहुंचने वाले हैं झाझा, और झाझा तक ही हम लोग का ये सफर है, क्योंकि इसके आगे तो हम जा सकते हैं लेकिन आने का व्यवस्था नहीं है। आने का व्यवस्था यहीं तक है, यहीं से अब आप स्पेशल ट्रेन हम लोग को मिलेगी पटना के लिए और उस ट्रेन से हम लोग भी पटना आएंगे। तो ये है झाझा का, झाझा में हम लोग पहुँचने वाले हैं, ये देख सकते हैं। और अभी जो समय हुआ है यहाँ पर 4:03 हुआ है, लगभग 1 बजे ट्रेन खुली थी, 3 घंटे में हम झाझा पहुँच चुके हैं। अब यहाँ का सफ़र, यहाँ से आए का सफ़र लोग तय करेंगे जो यहाँ से जाना चाहते हैं हावड़ा, और फिर हावड़ा से ये ट्रेन MT बनकर कोच बनकर के आएगी तो नियमित इसका परिचालन शुरू हो जाएगा पटना से।